हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिप्स टू टच। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक नीडेड इरेजर एट होम। तो इस इरेजर का ज़्यादातर इस्तेमाल हाईलाइट करने में होता है ड्राइंग में। तो अगर आप एक आर्टिस्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस इरेजर को इस्तेमाल करने से हमारे ड्राॅइंग में बहुत इम्प्रूव आती है। तो अगर आप भी एक आर्टिस्ट है तो वीडियो को पूरा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी ड्राॅइंग में भी इम्प्रूव आ सकती है। तो जो ये इरेजर है उसको हम हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने इस ड्राइंग पे यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए इस इरेजर के इस्तेमाल किया है, और इस ड्राइंग पे भी यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक देखते रहिए। मैं और एक बार बोल देता हूँ, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए। तो इस इरेजर को बनाने के लिए हमें चाहिए एक बार सा टेप, या फिर आप लोगों के पास अगर किसी के पास छोटा सा टेप है तो उससे भी बन सकता है, लेकिन उससे बहुत टाइम लगता है। तो अगर 12 टेप हो तो बहुत आसान हो जाता है। और इसके लिए हमें एक चाहिए रबर इरेजर, नॉर्मल इरेजर अप्सरा का, या फिर आप जिस भी कंपनी के लिए, वो आपकी मर्ज़ी है। और एक नया भी ले सकते हैं आप, पुराना भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो पहले तो हम बड़े से टेप को निकाल लेते हैं, और हम और मैं इस पोजीशन में रख देता हूँ। इस पोजीशन में रखने के बाद हमें रबर को यहाँ पे खींचना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो रबर को खींचते, तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं। ऐसे भी ले सकते हैं आप लोग। फिर से एक बार देखते हैं।
ऐसे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना मुझे। तो ये इरेजर इस्तेमाल करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।